हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, ये हम जो वेव ऑप्टिक्स है, यानी कि तरंग प्रकाशिकी, उस तरंग प्रकाशिकी का हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, व्यतिकरण और व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण, ठीक है, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस। तो इस चैप्टर में हम मेनली जो तीन पार्ट हैं ऑप्टिक्स के, तीन फिनोमिना हैं, वो हम मेनली पढ़ेंगे, तीन घटनाएं, एक इंटरफेरेंस, एक डिफ्रैक्शन और एक पोलराइजेशन, एक व्यतिकरण, एक विवर्तन और एक ध्रुवण, ठीक है। तो जो ध्रुवण है वो अगर हम इस साल बात करें लॉकडाउन में बोर्ड क्लासेस की, तो वो हटा दिया गया है, केवल आपके कोर्स में दो ही है, एक तो व्यतिकरण है और एक विवर्तन है। तो विवर्तन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, व्यतिकरण के बारे में हम पढ़ रहे हैं, प्रीवियस वीडियो में आपको काफ़ी सारा पढ़ाया जा चुका है। आज हम इस व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण का सेकंड पार्ट ले रहे हैं, जिसमें हम एक तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और साथ ही साथ रिजल्टेंट इंटेंसिटी फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, यानी संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए क्लियर करेंगे। तो व्यतिकरण का जो गणितीय विश्लेषण है, इसके अंदर हमने दो तरंगें ली थी, ठीक है, उन दोनों तरंगों को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ले लिया था, यानी कि अध्यारोपण के सिद्धांत से, और फिर आपके पास ये दो इक्वेशन आ गई थी। अब हम ये जो R है, R मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, यानी परिणामी आयाम का मान ज्ञात करने के लिए क्या करें, समीकरण चार है इसका वर्ग कर दो और समीकरण पाँच है इसका वर्ग कर देते हैं, यानी टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वी टेक द इक्वेशन फोर एंड इक्वेशन फाइव स्क्वायर एंड आल्सो सम। तो इसका हम सम कर देंगे, तो आप देखिए दोस्तों ये क्या आ गया, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइ प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइ, क्लियर। LHS में LHS यानी बायां भाग आपने ऐड कर दिया वर्क करके, और हम दायां भाग ले लेते हैं, दायां भाग में A1 प्लस A2 cos थीटा और इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर, इस पूरे का करना है आपको, ठीक है, अलग अलग नहीं करना है, पूरे का करना है, वो अपने आप ही हो जाएगा। और फिर प्लस में क्या है, A2 और साइन थीटा और इस पूरे का क्या हो गया दोस्तों, होल स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर। अब यहाँ आप देख रहे हो आर स्क्वायर कॉमन आ गया और ये क्या हो गया, कोस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, क्लियर। और ये आप फॉर्मूला जानते हो, नाइन्थ टेंथ जो प्रीवियस जो क्लासेज उनमें आप पढ़ चुके हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, वो बताने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है ये चीज़ें। तो ये क्या आ जाएगा, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी, यानी टू ए वन ए टू कोस थीटा, क्लियर। और प्लस में क्या आ जाएगा, ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सिंपल है। अब ये दोस्तों आप ये भी जानते हो, ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति में एक सर्वसम्मी का एक तरह से फार्मूला होता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कोस और साइन के जो एंगल हैं, जो कोण समान हो, तो ये आपके वन हो जाएगा। तो ये आर स्क्वायर इंटू वन इक्वस टू, और ये क्या आ गया, ए वन स्क्वायर प्लस, यहाँ भी आप देखिए ए टू स्क्वायर कॉमन आ गया, और कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा फिर से वन हो जाएगा, तो ये हो गया ए टू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए वन ए टू कोस थीटा, तो ये फिर से वन हो गया। तो आपके रिजल्टेंट जो आर स्क्वायर आ जाएगी, वो आएगा आर स्क्वायर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस थीटा, ये आपके इक्वेशन आ गई सिक्स। ये इक्वेशन भी हम यूज में लेंगे जब हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी यानी परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। देन अब हम दोनों पक्षों का क्या करते हैं, स्क्वायर रूट, ठीक है, क्या ले लेते हैं, वर्गमूल लेने
ऊपर। तो वर्गमूल लेंगे तो क्या आ गया, r इज इक्वल टू, ये पूरा अंडर रूट हो जाएगा और ये आ जाएगा ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर और टू ए वन ए टू कॉस थीटा। ये आपके क्या आ जाएगा, इक्वेशन 7 आ जाएगा। तो आई थिंक क्लियर है आपको, कट नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा है, तो पॉज करके लिख लीजिए। हाँ तो दोस्तों, अब ये जो आपके रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई है, यानी समीकरण 7 क्या आ गया, परिणामी आयाम का समीकरण है। ये जो इक्वेशन 7 है, इक्वेशन 7 है वो क्या है, परिणामी आयाम का समीकरण है। द इक्वेशन 7 इज द इक्वेशन, ठीक है, समीकरण 7 जो है यानी परिणामी आयाम का समीकरण है, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाता है। ये दोस्तों आप प्रीवियस जो क्लास है 11th में, उसमें वेव्स वाला चैप्टर, उसमें भी आप कर चुके हो, यदि आपको ध्यान हो तो, एज ए रिवीजन ही हो रहा है। अब हम इसमें दो कंडीशन ले लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन हम क्या ले लेते हैं, थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है, या फिर 2π 4π, ठीक है, थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो मेरे ख्याल से क्लियर है। और ये किसके लिए हो गया, समपोषी व्यतिकरण के लिए हो जाता है, समपोषी व्यतिकरण के लिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी समपोषी व्यतिकरण। तो आप जानते हो समपोषी व्यतिकरण के लिए जो कलांतर है, थीटा क्या है दोस्तों, कलांतर, थीटा क्या है, कलांतर, लिखना चाहें तो ठीक, अदरवाइज डायरेक्ट लिख सकते हो। तो इक्वेशन 7 से हम क्या ले लें, कॉस थीटा, यानी कि कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो गई, 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 7, तो इक्वेशन 7 से क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू, ठीक है, ये कॉस वाला वैल्यू 1 हो गई, और 1 को आप किसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो जो डिजिट है वो एज इट इज आ जाती है। तो आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर, ये अभी वही फॉर्मूला जो पीछे यूज में लिया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और अंडर रूट यानी वर्गमूल का मतलब होता है घात में 1/2, तो ये घात और अंडर रूट, ठीक है, यानी वर्ग और वर्गमूल कैंसिल हो जाएंगे, तो r इक्वल्स टू आ गया a1 प्लस a2, जो कि कैसी वैल्यू है, मैक्सिमम, जो कि कैसा मान है, अधिकतम मान है, किसके लिए, समपोषी व्यतिकरण के लिए, कब, जब वो समान कला में हो, यानी कलांतर शून्य हो। दूसरी हम कंडीशन ले लेते हैं दोस्तों, थीटा इक्वल्स टू 180, 180 इसका मतलब पाई, और पाई का मतलब क्या होता है कि दोनों की दोनों तरंगे विपरीत कला में हो, यानी दोनों तरंगे विपरीत कला में हो, विपरीत कला में हो, तो विनाशी व्यतिकरण के लिए, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो विपरीत कला में होंगी, एक इधर एक्स अक्ष में है, एक माइनस एक्स अक्ष में है, जब दोनों विपरीत कला में हो जाएंगी तो कलांतर क्या हो जाएगा दोस्तों, 180 हो जाएगा, क्लियर। तो ये किसके लिए है, फॉर डिस्ट्रक्टिव, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू होती है, यानी कॉस थीटा, तो कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, -1, क्या होती है,
-1। तो यहाँ जब ये वैल्यू रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 7, तो r इक्वल्स टू क्या आ गया, अंडर रूट a1² + a2² और -2a1a2, क्या आ जाएगा -2a1a2। तो r इक्वल्स टू क्या आ गया a1 - a2 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट का मतलब घात में 1/2, ये इससे कैंसिल हो गया तो a1 - a2 आ गया। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, न्यूनतम आ जाती है। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए जो आयाम है, परिणामी आयाम, वो अधिकतम होता है, और विनाशी व्यतिकरण के लिए परिणामी आयाम न्यूनतम होता है। ठीक है, तो लिखिए पॉज करके। हाँ, तो दोस्तों ये परिणामी आयाम आपको क्लियर हो गया होगा। यदि दोनों तरंगें जो हैं आपके पास और उनका आयाम समान हो, यानी a1 = a2 = a हो, तो जो रिजल्टेंट है r = क्या आ जाएगा, 2a। r = क्या आ जाएगा, 2a। एक कंडीशन ले लें, और यहाँ r मिनिमम क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि ये इक्वल हो गए तो 0 आ जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है, यदि दोनों जो वेव्स हैं उनके एम्पलीट्यूड इक्वल हैं, देन जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो 2a, और फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए वो 0 आ जाता है। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। फिर भी कोई सुझाव हो तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।